नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एनपीटी के लिए का जो कोर्स है हमारा डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन, जो हमने 12 वीक का जो कोर्स किया है, तो उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। अगर आपको ये कोर्स लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, इसमें क्या सिखाया जाएगा, ये इंडस्ट्री के परस्पेक्टिव में सही या नहीं, और दूसरी बात कौन कौन सी बुक है आपको रेफरेंस लेने के लिए चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कहाँ से आपको एग्जाम की प्रिपेरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये वीक है एनपीटीईएल द्वारा जो आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर है उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया हुआ है। तो सबसे पहले आप कोर्स कंटेंट देखना चाहे तो यहाँ से वीक 1 से लेके वीक 12 का जो कंटेंट है वो देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद लाइव पाइथन का कोड है वो जुपिटर नोटबुक में आपको करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच से ये कोर्स डिजाइन हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। अगर आप कई सारी रेफरेंस बुक प्रिफर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टॉपिक में कोई रेफरेंस बुक भी मिल जाएगी। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब गूगल पे सर्च करके वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बेस्ट अप्रोच ये है कि आपको कोई टॉपिक में इन डेप्थ सर्च करना है तो गूगल पे सर्च कीजिए, वहां से इन डेप्थ आपको पढ़ाई मिलेगी। बहुत ही कम लोग हैं जो मैंने इतनी ज्यादा बुक से पढ़ाई नहीं की थी, तो बेसिकली जहां से जहां पे डाउट है वहां पे मैंने बुक्स रिफर की। बाकी प्रोफेसर ने बहुत अच्छी तरीके से डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन में पढ़ाया है, तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। अब बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत सारे इंक्वायरी आती है, तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, कुड दे प्रोवाइड अ फॉर्मूला शीट फॉर रेफरेंस द एग्जाम फॉर नॉट। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर आपने एनपीटीईएल के बारे में पता है तो यहाँ नहीं अब पता है तो ठीक है, वरना ऊपर आई बटन पे जाकर वहां पे पूरे 3 वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनपीटीईएल में सर्टिफिकेट कितने टाइप में मिलते हैं, कितनी टाइम की फीस पेमेंट करनी पड़ती है, और आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, जैसे कि ये 12 वीक का कोर्स है तो असाइनमेंट सबमिट का क्राइटेरिया क्या है। अब 12 में से बेस्ट आप 8 आपके असाइनमेंट है उसके स्कोर है फाइनल स्कोर में कंसीडर किए जाएंगे, और जो आपका असाइनमेंट का स्कोर होगा वो भी आपको असाइनमेंट सर्टिफिकेट में आपको वहां पे आपको छपेगा। तो ये भी ध्यान रखिए, वो दो वो सारी डिटेल्स एनपीटीईएल के ऊपर आई बटन पे क्लिक करके यहाँ से आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे है कि कोई वो रेफरेंस के लिए कोई फॉर्मूला सीट है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाँ, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि जेड डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई डिस्ट्रीब्यूशन, एफ टेस्ट, तो उसके लिए जो चार्ट है तो वो प्रोवाइड करेंगे, बट कोई रेफरेंस फॉर्मूला सीट वो प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। कुड वी यूज जुपिटर नोटबुक टू सॉल्व द प्रॉब्लम? जी नहीं, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में आपको जुपिटर नोटबुक प्रॉब्लम सोल्व करने पहले नहीं मिलेगी, बल्कि आपको एमसीक्यू भी सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले कैन आई गेट मॉक पेपर और एनीथिंग टू सॉर्ट ऑफ माय फाइनल एग्जाम, अ नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्जेक्टिव, हाउ मेनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुड यू से। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे डाउट थे एग्जाम पैटर्न के बारे में, डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन का जो 12 वीक का कोर्स है, और जहाँ पे मैंने मेरे YouTube वीडियो पे बहुत सारे असाइनमेंट है उसके सॉल्यूशन भी रखे हुए। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन पेपर है, उसके पैटर्न एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो इसमें सिर्फ कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो वो सिर्फ 50 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के आप 2 मार्क गिने तो आपको सिर्फ टोटल मार्क 100 है और आपको 50 क्वेश्चन है, तो सेक्शन 1 में 10 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि ट्रू फॉल्स हो गए। असाइनमेंट में आप देखेंगे कि असाइनमेंट में 12 वीक है, हर वीक के 10 क्वेश्चन है, तो आपके पास 120 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक हो गया। उसके बाद क्या है कि डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन में आप हर वीक सैटरडे को 5 AM को एक लाइव सेशन होता था, वहां पे जो रिस्पेक्टिव स्कॉलर है वहां पे वो वीक से जुड़े 10 क्वेश्चन सोल्व करा देते और हमारे जो डाउट है वो सोल्व करा देते, तो वहां से आपको थोड़ा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। तो इन दोनों तरीके से क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा।
तीसरा तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट है वो यहाँ पे आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और आपको कहीं पे गूगल पे सर्च करेंगे तो प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो वो सोल्व करके आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 50 है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन 1 की बात की, जैसे कि ट्रू फॉल्स वो ज्यादा है। सेक्शन 2 का जो पार्ट है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सेक्शन 2 होना चाहिए और यहाँ पे सेक्शन 3 होना चाहिए। तो सेक्शन 2 का पार्ट है उसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 3 है तो उसमें ज्यादा नहीं बट थोड़े 25 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन होंगे वो कैलकुलेटिव होंगे, बाकी 20 क्वेश्चन है वो अपने नॉलेज बेस्ड होंगे। जैसे कि आप इसमें देखें कि 120 से वो असाइनमेंट के क्वेश्चन है, तो उसमें से आई थिंक मैं बात करूँ 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन, 30 करीबन 30 क्वेश्चन है वो असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगर आप ठीक से असाइनमेंट कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया आंसर। अगर कोई आपको और भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। विल वी गेट ऑप्शन फॉर द एग्जाम सिटी चेंज? जी, अब ये इसका डाउट था, मैं कोई हाइपोथेटिकल में ठीक से तो आंसर नहीं दे सकता। अगर आपको एडमिट कार्ड पब्लिश होने से पहले आपको कोई क्वेरी है सेंटर चेंज करने की, तो आपको इस ईमेल आईडी पे आप अपना कंसर्न बताकर आप सेंटर चेंज की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन वी फाइंड मोर क्वेश्चन पेपर फॉर डेटा साइंस विद पाइथन कोड सो आई कैन प्रिपेयर बेटर? तो सबसे पहले यहाँ बात बताऊ, मैंने पहले बताया वैसे कि आप असाइनमेंट सोल्व कीजिए, क्वेश्चन असाइनमेंट प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट सोल्व कीजिए, और आप जो लाइव डिस्कशन सेशन होता है तो उसके भी 10 क्वेश्चन होते हैं तो वो सोल्व कीजिए। तो इससे ये इनफ है आप इस कोर्स को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज टेल विल प्रोवाइडेड विथ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एट द सेंटर? जी, इसका आंसर ये है, आपको जेड डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई डिस्ट्रीब्यूशन, जी, और आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल का जिस इसमें यूज हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इन एग्जाम हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन एग्जाम हाउ वी हैव टू सोल्व द क्वेश्चन मैन्युअली और विथ हेल्प ऑफ पाइथन? जी, ये आपको पाइथन की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, वहां पे कोई ऑनलाइन आईडी नहीं होगा, सिंपल 50 क्वेश्चन होंगे वो भी एमसीक्यू बेस्ड, और काफी में तो एमसीक्यू नहीं कह सकते, ट्रू और फॉल्स भी है सेक्शन 1 में बताया। वैसे हियर वी कैन फाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर डेटा साइंस कोर्स? जी, मैंने बहुत ट्राई की थी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बट मुझे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहीं नहीं मिले कि ये पेपर में पूछा था, बट ये है कि अगर मुझे मिलता है तो मेरे यहाँ पे यूट्यूब वीडियो के नीचे गिटहब रिपोजिटरी है, तो वहां पे मैं अगर कोई भी इसी साल तक क्वेश्चन पेपर मुझे मिलता है तो मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। डज दिस कोर्स डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन विल हैव अ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन इन मेन एग्जामिनेशन? जी नहीं, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जी होंगे बट ऐसे एमसीक्यू टाइप प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है कि ऐसे कोई कोडिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी, तो यस थोड़े लॉजिक टाइप का आपको एमसीक्यू रहेंगे बट आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। कैन द असाइनमेंट लिंक बी ओपन अगेन फॉर सबमिशन? तो यहाँ पे मैं बता दूंगी कि ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, हर बार बार पूछते हैं, ये 12 वीक का कोर्स है तो उसमें से आपको एक असाइनमेंट आपका सबमिशन ड्यू डेट पहले से आप करना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 में से बेस्ट ऑफ 8 असाइनमेंट हो गए वो आपके कंसीडर किए जाए। तो आप फोरम में बार बार ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होता है कि मैं असाइनमेंट का एक्सटेंड डेट हो सकती है जी नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप अगर एक बार सबमिट कर देते हैं और आपका फाइनल स्कोर रिलीज हो गया है तो उसके बाद अगेन सबमिशन के लिए वो क्वेश्चन ओपन नहीं हो गए। व्हेन वी रिलीज द होल टिकट फॉर, यहाँ मान लीजिए कि आपको 23 अप्रैल 2022 को आपका एग्जाम हो रहा है तो होल टिकट है वो आपको बहुत ज्यादा देर नहीं, जैसे कि 18 से 22 के बीच में है वो आ सकती है आपको, मिस इससे पहले आपका सेंटर का पता चल जाएगा, बट बार बार यही क्वेश्चन होता है
और काफी लोगों का इस क्वेश्चन में आई थिंक 15 से 16 बार पूछा ये क्वेश्चन गया था कि हॉल टिकट कब रिलीज होगी, होगी या नहीं। तो ये हॉल टिकट रिलीज हो जाएगी उसका दिक्कत मत कीजिए, एनपीटीएल जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो अच्छी तरह से होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, When shall we get the result out? अब एग्जाम होने के बाद मैं ये करता हूँ कि 4 वीक के बाद है ना, 4 वीक के अंदर या फिर 4 वीक के बाद आपका रिजल्ट होगा वो पब्लिश किया जाएगा। तो ये हुआ एनपीटीएल की डेटा एनालिसिस कोर्स के बारे में रिव्यू। अगर आपको कुछ और डिटेल्स जानना चाहते हैं, अब ये मेरे और मैंने जो कोर्स के असाइनमेंट के सॉल्यूशन बनाए वो देखना चाहते हैं, वो पूरी अच्छी तरीके से मेरे गिटहब रिपोजिटरी में रखा हुआ है। तो वहां पे YouTube में से डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके वहां पे जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।